ठीक है, देखिए गणित कक्षा 10 हिंदी मीडियम, यहाँ पे अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 बता रहा हूँ मैं, एक ही प्रश्नावली इसमें, और प्रश्न नंबर 7वां है। 6 क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण ये दिया हुआ है, फिर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चित्र को समझेंगे कि हमें चित्र कैसे बनाना है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखो 20 मीटर ऊंचा एक कोई भवन है, मान लो ये 20 मीटर ऊंचा ही है इसकी। ठीक है, ये कोई भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक संचार मीनार इस तरह से कोई लगी हुई है। ठीक है, ऐसे है ये, कोई इस तरह से कोई मीनार है। ठीक है, यहाँ इसका तल है और ये शिखर होगा इसका, शिखर। काफी आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने पे ध्यान दोगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से भवन, ये भवन है, ये इसको भवन बोलते हैं, भवन, ये इतना इतना ये भवन है, ये ऐसे मान। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से देखें, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचाई, 20 मीटर ऊंचाई मान ली, ये रहा भवन। ठीक है, इतना 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, इस भवन का शिखर ये है, भवन का शिखर ये है, और इसका भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये संचार मीनार है, इसको यहाँ पर चाहो तो ये संचार मीनार है, संचार मीनार। देखो संचार मीनार के तल और शिखर, ये जो मैंने यहाँ लिखा है तल और शिखर, देखो संचार मीनार का तल तो ये और शिखर ये है। ठीक है, और लेकिन भवन का जो शिखर है वो इसका तल होगा संचार मीनार का, बस इतना ही तो अंतर है। अब यहाँ से उन्नयन कोण ऊपर की ओर जब हम देखेंगे वो बनता है उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट से ले लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पहले किसका कोण बन रहा है, संचार मीनार के तल और शिखर, पहले तल पे बनेगा, तल ये रहा तल, और ये कितना है, पहला कोण कितना है 45 डिग्री, तल पे 45 डिग्री हो गया। दूसरा कोण है इसके शिखर पर, ये कितना है 60 डिग्री, ये बन गए दोनों कोण। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की, ना कि भवन की, भवन की नहीं ऊंचाई ज्ञात करनी, भवन की तो 20 मीटर दे रखी है, ये मीनार की ऊंचाई h मान लो, क्या मान लेंगे, h। ठीक है, तो अब लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h है, हल माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली। ठीक है, बाकी तो हमने चित्र में दिखाई दिया है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आपने क्या करना है, इसमें त्रिभुज लेके हल करना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें ये और बता दूँ, देखो एल ए एल लाल बटे कक्का, ये मैं इससे पहले वाले चैप्टर में सिखा चुका हूँ, तो कुछ अटपटा नहीं है इसमें, इसको याद करने के लिए लिखते हैं, साइन कॉस, यहाँ पे ए आएगा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये तो रफ वर्क है, ये इसको अलग से आप लिख सकते हो, सवाल तो ये आपका चित्र सवाल में है। ठीक, ये मतलब सवाल में ये चित्र बनाना पड़ेगा, ये आप अलग से कहीं भी बना सकते हो या साइड में बना सकते हो कॉपी पे। ठीक है, देखिए इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, इसकी ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हमें क्या करना है, देखिए ये एच पता करना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस साइड देखो, इस त्रिभुज में ये वैल्यू इस साइड की, और कोई इन दोनों में कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। इसको हिंदी में देखिए, हम इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। तो एल का मतलब होता है लंब, के का कर्ण, ए का आधार। अब हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास ये इस वैल्यू और इन दोनों वैल्यू से ही हल कर सकते हैं, इसको बीच में लाना बेकार है। तो ये वैल्यू किससे आएगी, देखो लंब बटे आधार किससे आएगी, एल बटे लंब बटे आधार टेन से आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों त्रिभुजों में टेन लेंगे एंगल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज ए, नाम रख दो, इसका नाम नहीं रखा अभी हमने, ये ए
बी सी और इसका पॉइंट का नाम डी रख दो, ये जो पॉइंट है ये तल, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ए बी सी लिख सकते हैं हम, या फिर पहला छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी ये है छोटा त्रिभुज है, इसमें कोण 45 है, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर, 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, एल बटे देखो इससे, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो देखिए लंब कितना है 20, देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है, आधार नहीं पता तो आधार पर हम बी सी जैसा लिखा है वही लिखा रहे हैं, तो 20 ठीक है। इसके बाद 10 45 का मान 1 होता है, ये हमें पता है, 1 बराबर 20 बटे ये बी सी। अब 1 के नीचे 1 मान लीजिए अपनी तरफ से, और इसका गुणा इसमें करो, बी सी का 1 में गुणा करेंगे तो बी सी आएगा बराबर 20 एकम 20 मीटर, तो बी सी का मान भी 20 मीटर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ठीक है, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज बना दीजिए लिखने की बजाय, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, देखो इसमें भी वही लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो हम लिखेंगे 10, इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री है, देखो ये जो बड़ा त्रिभुज है इसमें कोण जो है 60 डिग्री का है, तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ये हमें पता है, लाल बटे कक्का से हम देख लिए लंब बटे आधार, ठीक है। और लंब कितना है देखें, लंब है इसमें H+20, देखो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, आधार बी सी है, ठीक है, तो 10 60 का मान कितना है देख लें जरा एक बार, तो देखो यहाँ पे तो H+20/BC का मान कितना है 20, ठीक है, तो और 1/√3 होगा, ठीक है, चलो इसका मान देख लेता हूँ, एक मिनट मुझे याद नहीं है अभी, वो 10 60 के √3 होता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है 60 और ये 10 30 का है, √3 होता है इसका, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए, हालांकि मैंने टेबल बनाई है इसीलिए मैं याद नहीं रखता, टेबल आपको बनानी आती हो तुरंत आप 2 मिनट में आप टेबल बना के पूरे मान जितने हैं सारे आप 90 डिग्री तक के बना सकते हो, ठीक है, वो बता चुका हूँ मैं। अच्छा आप देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, H ये √3 था, इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, इसका इसमें गुणा करेंगे तो H+20 = इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20√3। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें H की वैल्यू ही तो पता करनी है, तो ठीक है 20 को उधर ले जाएंगे 20 को उधर ले जाएंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं इसको, देखो H = ये 20√3 है, 20√3 और ये 20 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 75 कर दिया है, माइनस के 20 हो गए, तो H बराबर देखो 20 दोनों में है कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा √3 माइनस यहाँ से 1 बचेगा, जब यहाँ कोई संख्या नहीं बचती तो 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो H बराबर 20, √3 का मान रख दीजिए, √3 का मान इसमें दिया नहीं है, हालांकि अगर मान हम रखते हैं तो फिर इसका मान होता है 1.732 - 1, ठीक है, तो H बराबर ये √3 का मान होता है, यहाँ लिख देते हैं √3 बराबर 1.732 - 1.732, ठीक है, और 20 इसमें इससे इसको घटाएंगे तो 0.732 आएगा, ठीक है ना, और इसका इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 4 2 3 6 2 7 14 और ये वाला 0 लगा देंगे, 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद ये दशमलव है, तो यहाँ भी 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो H बराबर आ जाएगा 14.64 मीटर, ठीक है ना, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है देखिए जरा यहाँ पे, यहाँ तक आप सॉल्व कर दोगे तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर माला में यहीं तक दिया है, अभी आंसर शीट हमने देखी तो आंसर यहीं तक दिया है, इससे आगे फिर जरूरत ही क्या है ज़्यादा आप परेशान हो, ये 4 लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं, √3 का मान भी नहीं रखने की जरूरत है, यहीं तक हल कर दोगे तो अभी नंबर पूरे ही मिलेंगे, क्योंकि आंसर शीट जो गणित की आपकी किताब है वहीं उसमें ही इतना दिया है तो उतना मान्य होगा, तो आपको ज़्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यही है कि अब बच्चे क्या क्या याद रखे कि कहाँ तक सॉल्व किया है किसी में कि नहीं किया, ठीक है ना।
तो एच का कंप्लीट मान अगर आएगा तो ये आएगा, और अगर रूट की वैल्यू नहीं रखोगे तो यहीं तक आपका आंसर है। तो आप चाहें तो इतना ही सॉल्व कीजिए, जिनको कठिन लग रहा हो इतना ही सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी है, आंसर आ गया किताब में इतना ही है।